हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीद इस्लाम सागर एंड यू आर वॉचिंग नाउ आई एस अंसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वीएड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे यहाँ पर इन खबर्स को सुनने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, आप बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे छात्र। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की सिफारिश की गई है। अगर यहाँ पर ये सिफारिश मंजूर हो जाती है तो कोई भी बीएड स्टूडेंट आप बेरोजगार नहीं घूमेगा, सभी को यहाँ पर टीचर बनने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही 2020-21 के लिए यहाँ पर 12th पास आउट यानी कि 12वीं पास स्टूडेंट के लिए 4 साल का बीएड कोर्स आ चुका है, जो कि यूपी में 2020 से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है। नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हैं उनको भी टीईटी पास करना कंपलसरी होने वाला है, बट अभी यहाँ पर ये आदेश नहीं हुआ है, अभी ये केवल सिफारिश की गई है। तो दोस्तों, ये है बहुत सारी अपडेट आज की इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहेगा, यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक तथा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि यूपी बीएड से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 12वीं पास स्टूडेंट के लिए 4 साल के बीएड प्रोग्राम के बारे में, जो कि 2020 से स्टार्ट होने वाला है। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में यहाँ पर बार बार उठती है कि जो 2 साल का बीएड कोर्स है क्या वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट के मन में बार बार यहाँ पर क्वेश्चन उठता है 2 साल के बीएड के कोर्स के बारे में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 ईयर का बीएड आपका ये चलता रहेगा जो कि ग्रेजुएशन के बाद होगा। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 ईयर वाला बीएड ही रहेगा। और जो स्टूडेंट 12th पास करने के बाद बीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को 2 ईयर वाला यहाँ पर बीएड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि जो 2 ईयर का बीएड कोर्स है वो बंद होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन बार बार उठता है, इसके बारे में पहले भी आपको वो कन्फर्म कर चुका हूँ कि जो 2 ईयर का आपका बीएड कोर्स है वो हमेशा चलता रहेगा और ये बीएड कोर्स आपको ग्रेजुएशन के बाद करने के लिए मिल पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 4 साल के बीएड कोर्स के बारे में क्या बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में 4 साल के बीएड कोर्स को मंजूरी। इंजीनियर और डॉक्टर की तरह जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक की पढ़ाई कर सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCT ने 4 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड कोर्स तैयार किया है, जिसमें इंटरमीडिएट के बाद प्रवेश मिलेगा। अगले शैक्षिक सन 2020-21 से इसमें प्रवेश होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो 4 साल का बीएड कोर्स है उससे रिलेटेड पल पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो जो स्टूडेंट भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे तुरंत जुड़ते जाएँ ताकि यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको समय समय पर हमारे द्वारा मिलती रहे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट के बाद प्रवेश मिलेगा, अगले शैक्षिक सन 2020-21 से इसमें प्रवेश होंगे। NCT ने उत्तर प्रदेश में कोर्स संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रदेश में 4 साल के बीएड कोर्स की अनुमति मिलते ही शासन ने विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सारे यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर संबद्धता के लिए बोला गया है। ठीक है, इस उद्देश्य की मान्यता के लिए NCT की वेबसाइट पर आवेदन करें। NJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बरेली के मुरादाबाद स्थित बीएड कॉलेजों को निर्देशित किया है कि NCT में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके जो कॉलेज हैं उनको NCT से 4 साल के बीएड कोर्स की यहाँ पर मान्यता लेनी होगी। उसके बाद ही जो स्टूडेंट यहाँ पर 4 साल का बीएड कोर्स करेंगे उनको उस कॉलेज को वहाँ पर बीएड कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 2 साल के बीएड के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल का जारी रहेगा बीएड। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीएड के विभाग अध्यक्ष व राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर VR कुकरेती के मुताबिक 4 साल का बीएड कोर्स इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, ठीक है, 12th पास वालों के लिए 4 साल का बीएड कोर्स है। और आगे यहां पर आप देख सकते हैं, अभी स्नातक पास आउट विद्यार्थियों के लिए जो 2 साल का बीएड कोर्स चल रहा है वह जारी रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बदले की शिक्षा की सूरत। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के शिक्षक डॉक्टर राम बाबू के मुताबिक 4 साल का बीएड कोर्स शिक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा।
क्योंकि जो विद्यार्थी वाकई शिक्षक बनना चाहते हैं वह इंटर के बाद प्रवेश ले सकेंगे। इसके अलावा और हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट अभी 2019 में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, अब बीएड कर बेरोजगार नहीं घूमेंगे छात्र। नई शिक्षा नीति में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अनिवार्य रूप से नौकरी देने की सिफारिश की गई है, जो कि एक अच्छी खबर है सभी बीएड के स्टूडेंट के लिए। क्या है पूरी खबर, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति पर अमल हुआ तो आने वाले दिनों में बीएड करने के बाद लोग बेरोजगार नहीं घूमेंगे। फिलहाल ये नीति सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे लेकर देश भर से सुझाव मांगे गए हैं। इसके तहत बीएड करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही बीएड में दाखिला लेने वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने की भी बात की गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो बीएड से रिलेटेड और भी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे तुरंत जुड़ जाएं, ताकि बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नई प्रस्तावित शिक्षा नीति में शिक्षक के पेशे में अच्छी प्रतिभाओं के ना आने को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही कहा गया है कि यह तभी संभव होगा जब शिक्षक के पेशे का सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पढ़ाई के समय से ही अच्छी सुविधाएं, छात्रवृत्ति और पढ़ाई खत्म करने के बाद अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मसौदे में बीएड के 4 वर्षीय कोर्स पर तेजी लाने का भी प्रस्ताव है। मसौदे में शिक्षक तैयार करने वाले देश के 17,000 संस्थानों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही इनके ढांचे को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निजी स्कूलों में भी TET पास शिक्षक की हो नियुक्ति, जो कि प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत ही दुख भरी खबर है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अभी कुछ ड्राफ्ट के थ्रू बदलाव भी होने हैं, तो यहाँ पर इसके लिए देश भर से यहाँ पर सुझाव भी मांगे गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। जो भी उसमें बदलाव होगा उसके लिए भी यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन कॉलेज के टीचर्स के लिए क्या TET पास करना कंपलसरी होगा या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। निजी स्कूलों में भी TET पास शिक्षक की हो नियुक्ति, ठीक है, ऐसी सिफारिश की गई है यहाँ पर नई शिक्षा नीति में। प्रस्तावित मसौदे में TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है, ठीक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक जैसा कि आपको पता है, जो TET होता है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पर टीचिंग के लिए होता है। बिना TET के लिए, TET के आप गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। या तो आपको TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होता है। उसके बाद ही आप शिक्षक वर्दी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होते हैं। बट यहाँ पर अभी जो नई शिक्षा नीति आई है और जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स के लिए भी यहाँ पर TET के लिए बोला जा रहा है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे ही लोगों को इस बारे में पता चल सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मौजूदा समय में ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही अनिवार्य है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर शिक्षा के अध्ययन में बहुत ही बड़ा यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनको ही यहाँ पर TET के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अनिवार्य होता है तो यहाँ पर जो TET के लिए बहुत ही बड़ी दिलचस्प यहाँ पर आपको प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षकों की ज़रूरतों का हो, मसौदे में शिक्षकों की ज़रूरत का पता लगाने के लिए हर एक 5 साल में एक अध्ययन की भी सिफारिश की गई है, ठीक है, जो प्रत्येक राज्यों को करनी होगी। इस पूरी कवायद के पीछे जो कारण है वह ये है कि शिक्षकों की आने वाली ज़रूरत को समय से पहले पहचाना जा सके, ताकि समय रहते ज़रूरी प्रबंध किए जा सके। तो दोस्तों, ये थी बीएड के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की।
दोस्तों इस चैनल पर आपको यूपी बीएड और यूपी डीएलएड से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती है। तो जो स्टूडेंट भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बीएड और डीएलएड से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।